फर्ज करें इंटरनेशनल जो एजेंडा है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस या एजेंसीज हैं, वो नहीं चाहती हैं कि हमारा मुल्क स्टेबल हो, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे जो इदारे हैं, उनका फिर उस क्या रोल है? उनका रोल ये है कि वो इस चीज को ही इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, जो इंटरनेशनल एजेंडाज हैं उसके वो कस्टोडियन बन चुके हैं वो, जब तक वो उसी चीज को उन्होंने वो करना है, सामने रखना है। डॉक्टर अब शाहिदा, आप यहाँ पर बताएं कि सॉरी, आप बताएं कि किस तरह फिर ये सिस्टम ठीक कैसे हो सकता है? मतलब हम ये चाहते, हम ब्लेम किसको, सिर्फ इंटरनेशनल को अगर डालेंगे तो इसका हल तो है नहीं है। नहीं, इसका देखिए हल इसका, नहीं है। जी हाँ मैडम, जी मैडम, आप मैडम की तरफ से कुछ आ रहा है। नहीं ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग ये फैसले कर रहे हैं और हम इसका किसी और पे इसका वो डाल रहे हैं, मतलब इल्जाम लगा रहे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान के इदारे तो सामने हैं, मगर असल में पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो तो पाकिस्तान में किए नहीं जाते हैं। अभी मैं अपना एक मजमून पढ़ रही थी 2008 का, और उसमें मैंने ये लिखा था कि उस वक्त पाकिस्तान को आईएमएफ के पास उस वक्त भी ले जाया जा रहा था, और पता ये चला था कि जनरल पिट्रेस जो अफगानिस्तान में बैठे थे, उन्होंने फैसला कर दिया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को आईएमएफ के पास ले जाया जाएगा। ये 2008 की बात है। अभी देखिए, तो जब ये वाला नया 2024 का जो अग्रीमेंट हुआ है, तो मई में जो बाइडेन ने कहा था कि मई के शुरू में कि पाकिस्तान और आईएमएफ आपस में बातचीत कर लें, और इनकरेज किया था दोनों को, और फिर 6 मई को फिर उन्होंने दोबारा कहा कि पाकिस्तान और आईएमएफ अपनी बातचीत कर लें। तो पाकिस्तान, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, मगर हमारे जो हम लोग हैं, हम लोग अपने फैसले ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा मैडम, फर्ज करें कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो बाहर से फैसलों को हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बात समझ आ गई, लेकिन क्या बाहर के लोग ये कहते हैं कि आपकी अदालतें फैसले गलत करें? क्या बाहर के लोग ये कहते हैं कि आपका इलेक्शन कमीशन इस तरीके से रोल प्ले करे? क्या बाहर के लोग कहते हैं कि आपका सेहत का निज़ाम ठीक ना हो, एजुकेशन ठीक ना हो? ये तो हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं, इनको ठीक करने के लिए क्या सोल्यूशंस हैं? चूंकि हमारी गवर्नमेंट को देख, सिर्फ अपनी वो पावर चाहिए फिलहाल, अपोजिशन जब गवर्नमेंट में आती है उनका भी यही किरदार होता है। देखिए, आप इनको इंटरनल इश्यूज कह रहे हैं, मगर आपको शायद याद नहीं रहा है कि कई साल पहले, अभी कोई 3-4 साल पहले, बहुत बड़े पैमाने पे रूमर्स थे कि बड़ी ताकतें यहाँ कोई सिविल वॉर कराने को हैं, और हम सब ने सुना था, और उन्होंने कहा था कि इन सबको, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, ठीक है, अभी कई साल पहले इस किस्म की बहुत अफवाहें थी कि अमेरिका पाकिस्तान में एक सिविल वॉर करवाने को है, मगर मतलब क्योंकि देखिए, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान को इस तरह से वो ट्रीट नहीं कर सकते जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया को किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि बड़ा मैसी हो जाएगा अगर आप एक एटमी कुव्वत को यूं कन्फ्रंट करें। तो इसलिए वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने ज्यादा एक बहुत ज्यादा सोच विचार करके तरीका निकाला है, और हम सब ने ये सुना था 3-4 साल पहले कि पाकिस्तान में वो कुछ होने जा रहा है जो आज हो रहा है। तो इसलिए आप देख लीजिए कि बिल्कुल वही हो रहा है, इदारों को आपस में लड़वाया जा रहा है, और पाकिस्तान के जो फैसले हैं, जो मुल्क पाकिस्तान को इस दलदल में फंसा रहे हैं, वही मुल्क पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं। तो मैडम, तो आपके ख्याल जाहिर है, में इदारे बेहतर कैसे हो सकते हैं? चलिए अगर हम इसको उस दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, तो अब उसका हल क्या है? चूंकि सारे लोग बाहर के एजेंडा पे तो नहीं है ना? उसका हल सिर्फ ये है कि मैंने अपनी कई किताबों में कहा है कि हल सिर्फ एक है कि पाकिस्तान को आजाद और खुद मुख्तार बनाया जाए। वो बनेगा पाकिस्तान कैसे? के नहीं वो होने चाहिए, पाकिस्तान के जो इदारों पे सरबराह हैं वो बाहर से अपॉइंटेड नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में जरूरत है, इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए, और नेशनल गवर्नमेंट जो हो वो ऐसे लोगों पे मबनी हो जो बिल्कुल ईमानदार हैं, काबिल हैं और मुहिब्बे वतन है, डुअल नेशनल्स नहीं है, किसी बाहर के आलमी मालियाती इदारे या किसी मुल्क के लिए काम ना कर रहे हो, वो मैडम, खालिस्तन आपका पाकिस्तानी आपका लोग हो। सोल्यूशन ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये ऐसे लगता है ऐसे मुमकिन नहीं है। नेशनल गवर्नमेंट कैसे बन सकती है? हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपस में एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में भी
जो इन लोगों पे करप्शन के केसेस नहीं हैं या जिन पे केसेस नहीं चल रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ तो अच्छे लोग भी मौजूद हैं। आप उन अच्छे लोगों को ले लीजिए, ईमानदार लोगों को ले लीजिए, मगर इसके साथ ही उन पे ये पाबंदी लगनी चाहिए कि वो जो इकोनॉमिक मैनेजर्स लेके आएंगे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा और उनका कोई ताल्लुक बाहर के मुल्कों से नहीं होगा। बाहर के मुल्कों के लिए कि उनकी एजेंसीज के लिए काम नहीं कर रहे होंगे और किसी डुअल नेशनल्स नहीं होंगे। ये बहुत जरूरी है। अगर आप पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपको पाकिस्तान के इस किस्म की एक हुकूमत बनानी होगी तो आर्जी मैडम तौर पे। देखिए इसका इसका इनिशिएटिव कौन लेगा? इस तरह की गवर्नमेंट आर्मी बनाएगी फिर, देखिए, अगर टेक्नोक्रेट्स की कोई गवर्नमेंट? अगर ये आप वो बात कर रही हैं जब नहीं मुशरफ, जनरल मुशरफ ने गवर्नमेंट एक बनाई थी जिसके अंदर परवेज लाई। नहीं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ जैसे मुशर्रफ के दौर में बनी थी। आप तो बिल्कुल, वो तो इस किस्म की हुकूमत तो कभी बनी नहीं है। मैं तो बात कर रही हूँ ऐसी हुकूमत की जो बिल्कुल ईमानदार हो, मुहिब वतन पाकिस्तानियों पे मबनी हो और वो पाकिस्तान के आके पहले पाकिस्तान को इस बुहरान से निकाले, पाकिस्तान को इस माशी बुहरान से निकाले और पाकिस्तान में फिर इलेक्शंस करवाएं और फिर पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल के कोई 3 साल में ये सब मुमकिन हो सकेगा। जैसे क्योंकि आपके ये ना, नहीं कि आपकी अभी अभी वाली बात पे मुझे एक सुबह का बयान याद आ गया। वो जो डॉक्टर यूनिस हैं बांग्लादेश में, वो अबूरी हुकूमत है ना उनकी, तो उसके शायद सरबराह हैं। उनका बयान था कि तब तक बांग्लादेश को इलेक्शंस में नहीं जाना चाहिए जब तक वो अपने मसाइल से नहीं निकल जाता, अपने आप को थोड़ा स्टेबल करें फिर इलेक्शंस में जाएं। तो मुझे लगता है कि आप ऐसी बात कर रही हैं कि कम अज़ कम कोई ऐसी वो आए जो हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने की तरफ स्टेप्स दें, तो फिर हम इदारों को भी बेहतर करें, पूरा इंकलाब आ जाए। मतलब इदारे ठीक करने हैं, सारा कुछ ठीक करना है। तो मैडम जी बिल्कुल, जी, मैं यही कह रही हूँ कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आए जो आर्जी तौर पे 3 साल के लिए पाकिस्तान को इस दलदल से निकाले। पाकिस्तान के, देखिए ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं है या मसाइल का हल नहीं है, मसाइल का हल मौजूद है, मगर चूंकि फैसले बाहर से हो रहे हैं तो वो ऐसे हल पे नहीं जा रहे जिससे मुल्क को बचाया जा सकता है। वो पाकिस्तान पे ऐसे फैसले मुसल्लत कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान का और शिराजा बिखर रहा है और पाकिस्तान और ज्यादा से ज्यादा दलदल में फंसता जा रहा है और पाकिस्तान को बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के पास जो उसके मुनाफा बख्श इदारे हैं उनको भी जल्दी जल्दी औने पौने इधर उधर बांट रहे हैं ताकि पाकिस्तान को बिल्कुल वो एक जैसा कि ग्लोबल ट्रेंड्स 2015 डॉक्यूमेंट है CIA का, उसमें उन्होंने पाकिस्तान का जो नक्शा पेश किया है और वो कोशिश कह रहे थे कि 2015 तक ऐसा हो जाएगा, वो बिल्कुल एक पसमांदा और टूटा फूटा पाकिस्तान और उसमें कह रहे थे कि सिर्फ सिंध और पंजाब पाकिस्तान होगा, ट्रंकेटेड सा बिल्कुल पाकिस्तान। अच्छा मैडम एक